नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है मिस्टर आमिर खान। आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं ये, और इनकी फिल्म आई थी अभी कुछ सालों पहले थ्री इडियट, आप सभी ने देखा होगा। और इस फिल्म में आमिर खान का जो किरदार था उसका नाम था फुनसुख वांगड़ू। दोस्तों दरअसल में ये इस फिल्म में जो आमिर खान का किरदार था ये कॉपी किया गया था जो मशहूर साइंटिस्ट और एनवायरमेंट सोशलिस्ट है मिस्टर सोनम वांगचू। दोस्तों आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। दरअसल में सोनम वांगचू पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से लद्दाख के जो एनवायरमेंट है, वहां की जो प्रकृति पर्यावरण है उसको लेकर और वहां के जो स्थानीय जनजातीय लोग हैं उनकी संस्कृति को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, जिसको लेकर ये काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने लगभग 9 दिन की एक भूख हड़ताल भी की थी, जिसके बाद काफी लोगों का समर्थन इनको मिला था। अभी कल की बात है, कल इनके अध्यक्षता में इनके साथ लगभग हजारों नहीं लाखों लोगों की एक रैली निकाली गई और बकायदा एक जनसभा भी हुई जिसमें सोनम वांगचू ने जनसभा को संबोधित किया और लाखों लोग इस जनसभा में आए थे। लद्दाख के जितने भी स्थानीय लोग थे वो सभी इसके अंदर पहुंचे थे। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी हमारी जितनी भी गोदी मीडिया है उसने इस खबर को कहीं नहीं दिखाया, किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर नहीं किया, यहाँ तक कि किसी भी अखबार के अंदर इस खबर को नहीं दिखाया गया। और सोनम वांगचू जो हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने संबोधित किया था, क्या उनकी वो मांगे और क्या कुछ वो सरकार से चाहते हैं वो सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर है। तो हमारी दरख्वास्त है आपसे, बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही जानकारी वाली ये वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कहीं ना कहीं हो सके तो सोनम वांगचू को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इवन कि हमारे पर्यावरण के लिए जिस तरह के कदम ये उठा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो के बारे में, खासतौर सोनम वांगचू के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। लद्दाख के पहाड़ों से, यूं तो मैं समय समय पर आपसे लद्दाख की मन की बात सुनाने के लिए आता रहा हूं। पहला मैंने आज से 4 साल पहले आपसे गुहार लगाई थी कि लद्दाख के संवेदनशील पर्वतीय पर्यावरण को और यहाँ की जनजातीय संस्कृति को संरक्षण दिए जाएं, और आपने वादे भी किए अलग अलग मंचों से, और आज 4 साल बीत गए, गाड़ी वहीं की वहीं है। लोग बेबस और रोष में आ रहे हैं। आज जो लेह में सम्मेलन हुआ, आंदोलन हुआ 3 फरवरी को, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा था। आज लेह शहर के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में लगभग 20,000 लोग जुड़े पूरे लद्दाख से, सैकड़ों किलोमीटर से दिन दिन यात्रा करके वे आए इस कड़कती ठंड में, जब बाहर -15 -20 की ठंड है। ये जो संख्या मैंने बताई ये बहुत अनोखा है, छोटे से प्रदेश लद्दाख के लिए जहां की जनसंख्या ही 2-3 लाख है। अगर यही अनुपात देखें जो कि लेह का 20% जनसंख्या थी, वो दिल्ली में देखा जाए तो ये लगभग 60 लाख लोगों के दिल्ली में जमा होने के बराबर था। और यहां से लोगों ने मिलकर गुहार लगाई कि आप इस पर फिर दोबारा ध्यान दें। मैंने भी आज इस आंदोलन में आपको संबोधित किया कुछ इस तरह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश जहाँ 1-1.5 लाख तो ले में और 1-1.5 लाख ही कारगिल में हैं, उसमें से 20-30 हजार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं।
तो वो हम आपके साथ मिल के सुनाएंगे। सबसे पहले तो लद्दाख के लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और रहेंगे कि आपने, आपकी सरकार ने आज से 4 साल पहले लद्दाख की सालों दशकों पुरानी मांग पूरी की, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे। और उसके बाद, क्योंकि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं, तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो आपने सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी एक रास्ता दिखाया भारत के आदर्शों का, सादगी भरे जीवन का, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, जिस पे भी मैं सालों से बोलता आया हूँ, आपने इसे दुनिया तक पहुँचाया कि जब तक देश के, दुनिया के लोग सादा जीवन नहीं बिताएंगे, ये जो दुनिया का पर्यावरण है वो उसे सह नहीं पाएगा। इसके हम सब आभारी हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। और हम इसके भी आभारी हैं कि जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया, तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा, तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में, इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो हमारा यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए, तो आप इसे देर सवेर पूरा जरूर करेंगे, मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ लेह में तो जो 6th शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा, और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा।
फिलहाल के महीनों में हमें ये पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था, वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने, जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया। और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख करने लगे। और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए, ये संरक्षण, ये सिक्स शेड्यूल, ये दो चार लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर सिक्स शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा, और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब, संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए, आज यहां पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। सिक्स शेड्यूल, भारत माता की। तो ये जो मसला है लद्दाख के संरक्षण का, अब ये सिर्फ संरक्षण की, पर्यावरण की भी बात नहीं रही, अब ये एक सच्चाई की लड़ाई भी बन गई है। भारत में हर चीज पर्याप्त है, बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोयला है, तेल है, लोहा है, हर चीज है, मगर आज जो सबसे कम पड़ रहा है वो है भरोसा, ट्रस्ट। भरोसे की कमी, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, भारत बहुत बड़े स्तर पर दो चार है इससे। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा आपके तरफ से कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो निभाएंगे नहीं वो वादा करेंगे नहीं, ऐसी हमारी उम्मीद है ऐसे सरकार से, ऐसे नेताओं से जो कि ईमान के नाम पर ही सत्ता में आए। आपको याद है कि 2011-12-13 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भारतीय जनता ने कितने जोर शोर से भारत में फिर से सच्चाई को वापस लाने की आवाज उठाई, और उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि लोगों को ये भरोसा था कि अब
साफ होगा हर चीज, मगर आज बदकिस्मती से देख कहना पड़ रहा है कि आज हर तरफ करप्शन फिर से सर उठा रहा है, देश में और यहाँ लद्दाख में भी। आपको मालूम हो या ना हो, पिछले 3-4 सालों में यूटी लद्दाख में करप्शन हद के स्तर पर होने लगा था। जम्मू कश्मीर में हम मानते थे कि वो सबसे करप्ट राज्य है, लद्दाख में बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। कुछ कदम भी उठाए गए, कुछ अदल बदल भी हुए, मगर हमें नहीं लगता है कि सफाई अभी भी है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों का खनन करें कागजों को, तो बहुत बरमान मिलेंगे आपको करप्शन के। मैं खुद आपको कई ऐसे मिसालें और सबूतें दे सकता हूं। तो ये हाल है लद्दाख का, और ऐसा ही हाल देश में भी लग रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि देश को भरोसा हो कि हमारी सरकार, हमारे नेता भरोसे पर खरा उतरेंगे। तो हम लद्दाख से ये गुहार करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो हैं उन पर अमल करके आप देश को बताएं कि इलेक्शंस गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जो वचन दिए जाते हैं उन्हें पूरा किया जाता है, और लद्दाख की जनता इसी उम्मीद पर आज यहाँ आई है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। हमें बताया गया कि 19 फरवरी को टॉक्स होंगे दिल्ली में। हमें बहुत उम्मीद है कि इस टॉक्स में आप ये साबित करेंगे कि आप वादे पर खरे उतरेंगे और पक्के इरादे से हैं, जैसा हमें आश्वासन दिया गया है। और हम कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जो भारत में संभव नहीं है। हम चांद, हम सितारे नहीं मांग रहे हैं। हम तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद, जिसका हमसे वादा किया था, उसी का अमल मांग रहे हैं। और ये अमल कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ये बाहर के लोगों को रोकने का है, ये लद्दाख बाहर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संरक्षण लद्दाख में जो भी संवेदनशील जगह हैं या संस्कृतियां हैं या जनजातियां हैं, उनको बचाने का काम करेगा। अब लद्दाख में जैसे पांगोंग झील है, सोमोरिरी झील है, बहुत ही संवेदनशील है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वहाँ के लोगों की संस्कृति बहुत ही फ्रेजाइल है। उसे बचाना होगा सिर्फ दिल्ली और लखनऊ के लोगों से नहीं, लेह के लोगों से भी। और हम चाहते हैं कि ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को लद्दाख के लोगों से भी बचाएं, और ऐसा प्रावधान देता है 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल किसी बाहर अंदर की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक वादी है आर्यन वैली, जहाँ पर आर्यन समुदाय के ब्रोकपा लोग रहते हैं, उन्हें बचाने की ज़रूरत है मुझसे भी। कोई वहाँ जाके ऐसे खिलवाड़ नहीं करें कि उनकी संस्कृति बिखर जाए। तो 6th शेड्यूल उन्हें हमसे भी बचाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में अंदर बाहर करें, हो सकता है ऐसे स्ट्रेचेज हों जहाँ पर हर कोई देश से बल्कि दुनिया से आके भी उद्योग लगाए, ऐसे डिमार्केटेड एरियाज में, मगर जो संवेदनशील पहाड़ हैं उन्हें बचाया जाए। तो ये कोई इस जाति उस जाति, बाहर के अंदर के, इनकी बात नहीं है। ये एक इकोसिस्टम को, एक संवेदनशील संस्कृति को बचाने की बात है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आखिर में कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि ध्यान में पहले से ही रखा गया था, इसीलिए ये वादे हुए थे लद्दाख के लोगों के साथ, आप जल्द ही जल्द न सिर्फ लद्दाख को बल्कि पूरे भारत को ये फिर एक भरोसा, एक आश्वासन, एक उम्मीद जगाएंगे कि देश में अभी भी वचन, सच्चाई जिंदा है। और उस सच्चाई को बचाए रखने के लिए अगर हमारी जान जाए तो बहुत कम होगी। मुझे दुख ये है कि एक ही जान है, कितने बार दें। तो हम इसके लिए आज भारत में
जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज भ्रष्टाचार से, आज झूठ से लड़ने की जरूरत है। और इसमें अगर हम भगत सिंह बनते हैं, सुखदेव बनते हैं, तो हमारी ये सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी, खुशकिस्मती होगी। मैं आपका हाथ जोड़कर इस तमाम लद्दाख के लोगों के साथ मिलके फिर एक बार धन्यवाद और फिर एक बार भरोसा आपसे लेने की गुहार लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये थी मन की बात लद्दाख के 6वें शेड्यूल में संरक्षण के बारे में। और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था जिसका मैंने लद्दाखी में वर्णन किया, उसे मैं हिंदी में आपको बताऊं, वो है जमहूरियत यानी कि लोकतंत्र के बहाली की बात। अब जम्मू कश्मीर में तो स्टेटहुड बहाल हो रहा है, यहाँ लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेशन रखा रहेगा ऐसा कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। लद्दाख के लोग बहुत ही हैरान बल्कि नाराज हैं कि उनकी किस गलती के लिए उन्हें यह सजा दी जाएगी। भारत के जितने भी युद्ध हुए उन सब में लद्दाख के सैनिक ही नहीं, जनता भी युद्ध भूमि तक स्वयं सेवक की तरह जाते रहे हैं और आज उनको बिना लोकतंत्र के रखा जाए। यहां लद्दाख में कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई असेंबली नहीं है, एमएलएज नहीं है जो कि यहां के विकास का निर्णय कर सकें। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरा निर्णय खुद से करते हैं, जो कि यहां के होते भी नहीं हैं, उन्हें लद्दाख का नहीं मालूम होता है और 3-4 साल बैठ के चले जाते हैं। जो उनकी गलतियां हों उसका खामियाजा यहां के स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा भारत में लगभग कहीं नहीं है कि लोगों की कोई मंशा रखने का मंच ही ना हो। तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को भी आप पूरा करेंगे और लद्दाख को या तो स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेशन आप जम्मू कश्मीर की तरह ही जल्द घोषित करेंगे। इन्हीं मांगों के लिए आज के दिन से, फरवरी 3 से, यहां बहुत से लोग अनशन पर बैठने वाले थे, जिनमें मैं 21 दिन के अनशन पर बैठने वाला था, मगर हमें बताया गया कि सरकार से, गृह मंत्रालय से 19 फरवरी को बातचीत के लिए हमारे नेताओं को बुलाया गया है। मगर अगर पिछले बातचीत देखें तो उनमें कोई प्रगति नहीं हुई, सारे बातचीत विफल ही रहे अभी तक। तो उम्मीद हम अब भी करते हैं कि 19 को कुछ नए नतीजे निकले, नहीं तो आज लद्दाख के जो सबसे वरिष्ठ, सबसे सम्मानित नेता हैं, लद्दाख के राष्ट्रपिता थुपस्तान छेवांग जी, उन्होंने इस मंच से ये घोषणा की कि अगर 19 के बाद विफल रहा तो वो खुद आमरण अनशन पे रहेंगे। और उनके साथ, हमारे साथ सैकड़ों लोग अनशन पे सर्दियों के ठंड में बाहर रहेंगे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि कहीं आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और समझेंगे कि ये मांग 2-4 लोगों की नहीं है बल्कि पूरे लद्दाख की है, जैसा कि आप इस संख्या से देख रहे हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि ये जो वचन हमें मिले थे कई साल पहले, कई बार उन पर अमल होगा और हमारा भरोसा सत्य और वचन पर फिर एक बार बनेगा और हम ऐसे ही खुशहाल लद्दाख और खुशहाल भारत की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।